Hi dear parents and students, I Divya, class teacher of your ward of class nursery, welcome you all. Today's date is April 7, 2020, that is Tuesday. My dear students, today I am going to teach you English language and our topic is standing line. आज हम एक बार फिर से स्टैंडिंग लाइन को रिवाइज करेंगे. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम इंग्लिश में लेटर्स सीखने से पहले लाइंस एंड कर्व्स का फॉर्मेशन सीखते हैं, तभी हम लेटर्स अच्छे से बना पाते हैं. सो आज हम एक बार फिर से स्टैंडिंग लाइन का रिवीजन करते हैं. आर यू रेडी? नाउ स्टूडेंट्स, टेल मी, इज दिस स्टैंडिंग लाइन? क्या ये स्टैंडिंग लाइन है? No, very good. Now tell me, is this standing line? क्या ये standing line है? No. Now, is this standing line? क्या ये standing line है? Yes, this is a standing line. ये है हमारी standing line. Now, my dear students, इससे पहले मैम ने आपको standing lines फुल डॉट्स पे सिखाई थी. पहले हमने स्टैंडिंग लाइन फुल डॉट्स पर सीखी थी, देन हमने स्टैंडिंग लाइन टू डॉट पर सीखी थी ऐसे. बट आज हम अपनी स्टैंडिंग लाइन को लाइंस के अंदर बनाना सीखेंगे कि हम लाइंस में स्टैंडिंग लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं. लेट्स स्टार्ट. बट उससे पहले माय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, हम इन लाइंस के बारे में जान लेते हैं कि लाइंस है क्या. डियर स्टूडेंट्स, जब हम इंग्लिश में लेटर्स, लाइंस, कर्व सीखते हैं, हम उन्हें फोर लाइंस के अंदर ही लिखते हैं. और इन फोर लाइन, जैसे आप लोगों का नेम है, वैसे ही इन लाइंस का भी नेम है. सो मैम आपको बताएंगी इन लाइंस को बोलते क्या है. हमारी सबसे पहली लाइन को हम बोलते हैं कैपिटल लाइन. देन दिस इज आवर वेस्ट लाइन. Then this is baseline and the last one is tail line. ये है हमारी four lines के name. First is capital line, then second is our waistline, third is our baseline and last one is our tail line. So आज हम इन्हीं three lines के बीच में standing line का formation सीखेंगे. इसके लिए मैम आपको सिर्फ two dots देंगी. Like this. हम इन्हीं टू डॉट्स के ऊपर अपना स्टैंडिंग लाइन का फॉर्मेशन सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी पुट आवर मार्कर ऑन द टॉप. हम इसमें भी वही मेथड यूज करेंगे जो हमने ट्रेसिंग और टू डॉट्स के लिए किया था. फर्स्ट वी पुट आवर मार्कर ऑन द टॉप ऑफ द डॉट, देन वी कम डाउन. Like this. Bana standing line? Yes or no? Yes, very good. Again, we do put a marker on the top and come down. My dear student and parents, always remember, hum standing line upar se niche ki taraf banate hain. Niche se upar ki taraf hum standing line nahi banate. Ye hamara wrong method hai. Hamesha hum standing line ऊपर से स्टार्ट करेंगे और नीचे खत्म करेंगे. कुछ बच्चे नीचे से ऊपर की तरफ लाइन बनाएंगे, ये रॉन्ग है. हम ऐसे नहीं बनाते. हम कैसे बनाते हैं? हम अपना पेंसिल सबसे ऊपर रखेंगे, देन वी कम डाउन. क्या ये हमारा स्टैंडिंग लाइन बना? यस, वेरी गुड. माय डियर पेरेंट्स, काइंडली हेल्प योर बॉय टू डू प्रैक्टिस ऑफ स्टैंडिंग लाइन ओनली इन दीज लाइन्स एंड मेक श्योर दैट Your word will make standing line from top to bottom. ऊपर से नीचे की तरफ आपका बच्चा standing line बनाए, नीचे से ऊपर की तरफ ना जाए. Thank you so much and have a nice day ahead.